तो रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के 13 दिन बीत चुके हैं। करीब 17 लाख यूक्रेनी नागरिक पलायन भी कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा शरणार्थी संकट बताया है। लेकिन इन सबके बीच जेड आ गया है। रूसी सैनिकों ने अपने टी शर्ट पर जेड का निशान बना लिया है। जानिए रूस का जेड कनेक्शन आखिर है क्या, क्यों रूसी टैंकों पर लिखा है जेड, क्या इस जेड से जीतेंगे जंग, देखिए मामला क्या है। रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें दाग रहा है, उसके टैंक शहर के शहर तबाह कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध के करीब 14 दिन बीत चुके हैं। इन सब के बीच रूस ने जेड प्लान तैयार किया है, जिसके तहत रूस के सभी टैंकों और गाड़ियों पर जेड का निशान बनाया गया है। सोशल मीडिया पर सफेद जेड लिखी तस्वीरें शेयर हो रही हैं। इस जेड को एक मोटे ब्रश स्ट्रोक से लिखा गया है। इतना ही नहीं, विशेष रूप से रूस का समर्थन कर रहे कई प्रदर्शनकारी भी अपनी टी शर्ट पर जेड का निशान लिखवा रहे हैं। जेड एक ऐसा अक्षर है जिसे रूस की सेना यूक्रेन जाने वाले अपने वाहनों और टैंकों पर लिख रही है। जानकारों के मुताबिक कुछ लोग इस जेड अक्षर को जा पोबेडी बोल रहे हैं। इसका मतलब है जीत के लिए, जबकि सोशल मीडिया पर कई लोग इसका अर्थ जापाट यानी पश्चिम बता रहे हैं। कई लोग इस जेड का समर्थन भी कर रहे हैं। रूस के कई नागरिक और व्यापारी अपनी कारों पर जेड का निशान लगा रहे हैं। कुछ जानकारों का मानना है कि जेड का निशान बनाने से सेना को लड़ाई के मैदान में अपनी गाड़ियों की पहचान में मदद होती है, इसीलिए रूसी सेना ने ऐसे निशान बनाए हैं। रूसी टैंकों पर जेड का निशान सबसे पहले 22 फरवरी को देखा गया था, जब रूसी सैनिक यूक्रेन पर हमला करने जा रहे थे। जानकारों के मुताबिक इस जेड का इस्तेमाल साल 2014 में भी किया गया, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था। उस समय भी रूसी सैनिकों ने अपने सैन्य वाहनों पर जेड लिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।